सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं के चतुर्थ पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इससे पहले हमने इस पाठ को डिटेल में विस्तृत रूप से पढ़ा है। यदि आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो शायर राजावत यूट्यूब चैनल पर जाके आप इस पाठ को पूरा पढ़ सकते हैं। आज हम प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर एक की तरफ। प्रश्न नंबर एक में है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करो। मैं साथ साथ उच्चारण भी करूंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी। यदि आपको लिखना है अपनी किताब में आप लिख सकते हैं। ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, उच्चई ऊपर, नीचई नीचे, बही बाहर, अलम मना करने के लिए, कदापि कभी भी, अंतः अंदर, पुनः दोबारा, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। इस प्रकार आपको कुछ शब्दों के अर्थ भी आ गए और आपको उच्चारण भी आ गया कि संस्कृत में इनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। अब है प्रश्न नंबर दो। मंजूषात् अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, अर्थात मंजूषा का अर्थ होता है जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें से सही उत्तर को चुनकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। वृक्षस्य डैश खगा वसन्ति, पेड़ के डैश डैश में भरेंगे ऊपरी, पेड़ के ऊपर खगा मतलब पक्षी वसन्ति रहते हैं। अगला है डैश विवादेन, अलम विवादेन, अलम मतलब मत करो, झगड़ा मत करो। अगला है वर्षा काले गृहात डैश मागच, वर्षा काल के समय गृहात बही मागच, तो क्या भरेंगे बही। जब भी आप इनको रिक्त स्थानों को भरोगे नीचे डबल अंडरलाइन करना है परीक्षाओं में ताकि पता चले कि आपने ये भरा है। मंचस्य डैश श्रोतार उपविष्टा संति, मंचस्य यानी मंच के अधः, इसमें भरेंगे अधः नीचे, अधः का मतलब नीचे, श्रोतार सुनने वाले उपविष्टा बैठे हुए हैं। अगला है छात्रा विद्यालयस्य अंतः प्रवेशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अंतः मतलब अंदर। अगला प्रश्न है शुद्धम पदम चिनतु, शुद्ध पद को चुनिए। अब देखो इसमें एक शब्द में चार चार शब्द दिए हुए हैं। अब देखो बच्चों, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो जाती है कि इसमें ये डिफरेंट कैसे हुआ, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये ग्रामेटिकल प्रश्न है। इसमें कौन सा धातु है जो मिलते जुलते धातु है, कौन सा डिफरेंट है, उस तरीके से इसमें अलग करके बताया गया है। उसमें हम अपने मन से नहीं कर सकते कि हाँ ये इसके जैसा लग रहा है, ये इसके जैसा लग रहा है, तो ये अलग है। पहला है गमन्ति यच्छन्ति प्रच्छन्ति धावन्ति। अब इसमें जो गम शब्द है वो गच्छ भी होता है और गम भी होता है, इसलिए इसमें गमन्ति डिफरेंट है, जबकि बाकी अपनी मूल धातुओं से आए हुए हैं, इसलिए गमन्ति को आप डिफरेंट में लिख लेंगे। अगला है रामेण ग्रहेण सर्पेण गजेण। अब इसमें गजेण जो है गज शब्द अलग है, बाकी सब एक ही धातु के रूप है। अगला है लतया मातया रमया निसया, ठीक है। अब देखो धातु के रूप में मैंने आपको उसको में ये मातया जो शब्द है वो बिल्कुल अलग है, बाकी वो तीनों शब्द एक ही प्रकार के धातु है। अगला है लते रमे माते प्रिय, इसमें माते जो है वो सबसे अलग शब्द है, बाकी तीनों मिलते जुलते शब्द है। लिखती गर्जती फलती सेवती, इसमें सेवती शब्द अलग है क्योंकि सेव धातु के रूप अलग चलते हैं, लिख गज और फल एक से धातु रूप चलते हैं, इसलिए ये सेवती शब्द अलग है। अगला प्रश्न है
जुड़ जाएगा हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न चार, मंजू सात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक शब्द होते हैं पर्यायवाची, अर्थात उससे मिलता जुलता शब्द। आपको बॉक्स दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ गए मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स, जो हेल्पिंग बॉक्स। अब इसमें है प्राप्य, प्राप्य से मिलता जुलता शब्द लब्धवा, लब्धवा। अब देखो संस्कृत सारी भाषाओं से निकली हुई है, जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत से सारी भाषाएं निकली है। तो आप डोगरी भाषा में बोल दो चीज लभी नहीं लभी, आपको मिली नहीं मिली, तो उसी प्रकार से प्राप्य का पर्यायवाची हुआ लब्धवा। कुशला दक्षा, कुशल मतलब किसी भी काम में प्रवीण। अगला है हर्षस्य प्रसन्नताया, देहस्य शरीरस्य, वैद्यम चिकित्सकम्। ये सब सब सारे शब्द आप जानते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। एक पदेन मतलब एक लाइन में लिखिए। मंचे कति बाल कवय उपविष्टा संति, उपविष्टा का मतलब होता है बैठो। जब मैं कक्षा में आती हूँ आपको बोलती हूँ कि उपविशतु भवान, अर्थात आप सभी बैठे। उसी प्रकार से यहाँ पे उपविष्टा शब्द आया है, मंच पर कितने बच्चे बैठे थे। प्रश्न का उत्तर है चत्वार है, बाकी हम प्रश्न से ही लेंगे उत्तर। मंचे चत्वार है बाल कवय उपविष्टा संति, मंच पर चार बाल कवि बैठे हुए थे। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल करते हैं। श्रोतार है, देखो जहाँ पर बाल कवि सम्मेलन हो रहा था वहां पर कौन कोलाहल कर रहा था, श्रोतार है, श्रोतागण सुनने वाले, श्रोता रहे कोलाहलम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है गजाधर है कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति, गजाधर जो कवि था उसने किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत किया। गजाधर है आधुनिक वेद्यम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति। देखो प्रश्न जो है एक ही लाइन एक ही वर्ड का है, लेकिन बाकी हमने प्रश्न से ही उत्तर बनाया है। गजाधर यहीं से लिया है, कम कम की जगह वैद्यम, आधुनिक वैद्यम। जहाँ प्रश्न है के कितने कति कम, ये सब क्या होते हैं प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उसकी जगह हम उत्तर लिख देते हैं और हमारा उत्तर पूरा हो जाता है। घ, अगला प्रश्न है घ, तुंदिल है कस्य ऊपरी हस्त आवर्तयति, तुंदिल है तोंदू। उन कवियों में एक था तुंदिल, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता हुआ आया। प्रश्न का उत्तर है तुंदिल है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल ने अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ आया। अगला प्रश्न है लोके पुनः पुनः कानी भवन्ति, संसार में बार बार क्या हो जाता है या मिल जाता है। तो इसका उत्तर है
लोके संसार में पुनः पुनः शरीराणी भवंती। अर्थात तोंदू जो था, तुंदिल जो था, उसकी क्या थिंकिंग थी कि यथा जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो। तो इसमें पूछा है लोके पुनः, तो उसने कहा संसार में जो जीवन है वो तो बार बार मिल जाएगा, यदि आपको फ्री का खाना नहीं मिल गया है तो उसको खा लीजिए। तो इसलिए उसमें प्रश्न में पूछा गया है कि लोके पुनः पुनः कानी भवंती, लोके पुनः पुनः शरीराणी भवंती। अगला प्रश्न है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, श्रमम कृत्वा घृतम पिबेत, श्रम करके घी पीना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक कहानी दी हुई है और मंजूषा वाले शब्द दिए गए हैं, इसे करके कहानी को पूरा करना है। जैसे पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानर आसी, एक बार एक राजा का प्रिय वानर था, एकदा नृप सुप्त आसी, एक बार राजा सोया हुआ था, वानर वैजनेन तम अभिजयत, एक बार बंदर पंखे से हवा कर रहा था, तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकाया उपाविशत, तो एक बार राजा की मक्खी जो थी वो राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति, हालांकि बार बार बंदर उस मक्खी को उड़ा रहा था, व्यजनेन मतलब पंखे से, निवारयति इसमें हटा रहा था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिका में उपाविशति इसमें, लेकिन फिर भी वो बार बार राजा की नाक पर ही बैठ रही थी। अंत में समक्षिका हंतु खड़गेन प्रहारम अकरोत, अंत में उसने बंदर ने मक्खी का खड़ग मतलब तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्डीयते दूरम गता, मक्षी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड़ग प्रवाह खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, लेकिन खड़ग के प्रयोग करने से राजा की नाक कट गई। अतः एवोच्यते, इसलिए कहा गया है मूर्ख जने सह मित्रता नोचिता, मूर्ख व्यक्ति के बाद मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता उचित नहीं है। अब अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है वो है विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों को भरिए। और सबसे अच्छा तरीका है एक साइड प्रश्नों के नंबर डालिए 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरी साइड उनके आंसर लिख दीजिए। लेकिन बच्चों जब आप एग्जाम में करोगे, परीक्षा में करोगे, तो ऐसे नहीं करना है, आपको सही उत्तर आमने सामने लिखना है, आपको लाइनें खींचने में वो गंदा ना लगे, इसलिए मैंने इस प्रकार से किया है। लेकिन आप सही उत्तर को आमने सामने लिखेंगे, जैसे अधः, अधः मतलब नीचे, इसका विलोम अपोजिट है ऊपरी। उसके बाद अंतः, अंतः मतलब अंदर, बही बाहर, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चै नीचै, सुलभम दुर्लभम सुलभम, और अधः का ऊपरी। इस प्रकार से लाइन खींचने से अब हमें उसको जांचने में परेशानी होती है और सही आंसर आप भी उसमें कंफ्यूजन में हो सकते हो, इसलिए आपने क्या करना है, सीधा आंसर आमने सामने लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हाँ बच्चों, ये जो प्रश्न नंबर 5 है उसका एक प्रश्न है अंतिम वाला, किम कृत्वा घृतम पिबेत, इसमें उत्तर लिखा हुआ श्रमम कृत्वा, श्रमम की जगह बच्चों क्या आएगा, ऋणम कृत्वा। आप लेसन में पढ़ना, उसमें एक श्लोक दिया हुआ है कि यथा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो इसमें आएगा जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, ऋण लेके, ये चार वाक का सिद्धांत है। तो श्रमम की जगह आपने क्या करना है, ऋणम,
ये करेक्शन आप अपनी कॉपी में कर लो। हाँ बच्चों, और इस चैप्टर के जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। ओके, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर सर्च मोर वीडियोस। ओके, शुभ मंगलम, धन्यवाद। एंड एक और महत्वपूर्ण चीज बच्चों, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो इस पाठ के प्रश्न नंबर 2, 4 और 7 एक बार फिर से सुन लें। प्रश्न नंबर 2, 4, 5 और 7 ये 4 प्रश्न हैं जो कि आप कॉपी में करेंगे। ओके, धन्यवाद।